और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में इंडी गठबंधन में अब तक सीटों को लेकर समझौता नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके आरजेडी लगातार टिकट बांटने में जुटी है। आरजेडी ने दरभंगा और मधुबनी में भी उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। दरभंगा से ललित कुमार यादव और मधुबनी से अली अशरफ फातमी को टिकट दिया है। वहीं ललित कुमार यादव को पार्टी सिंबल भी मिल चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले आरजेडी ने 13 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें लालू प्रसाद की दो बेटियां मीसा भारती को पाटलिपुत्र से तो रोहिणी आचार्य को सारण से टिकट देने का ऐलान किया गया है। तो ललित कुमार यादव को दरभंगा से उम्मीदवार बनाया गया है, मधुबनी से अली अशरफ फातमी को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन एक के बाद एक आरजेडी टिकटों का बंटवारा कर रही है। आरजेडी अपने खाते के जो सीट है उन पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, और इसी के तहत दरभंगा से ललित यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं मधुबनी से अली अशरफ फातमी को उम्मीदवार आरजेडी ने बनाया है। और वहीं दरभंगा और मधुबनी के अलावा 13 अन्य सीटों पर जिनको आरजेडी ने उतारा है उसकी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। नवादा से श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है, गया से कुमार सर्वजीत चुनावी मैदान में होंगे, और इसके अलावा अगर बात करें जमुई की तो अर्चना रविदास को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि बांका से जयप्रकाश यादव जो लालू प्रसाद के बहुत करीबी माने जाते हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है। सारण से रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी चुनावी मैदान में होंगी। इसके साथ ही उजियारपुर से आलोक मेहता जो कि विधायक भी हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में होंगी। बक्सर से सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो आपको बता दें कि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन जहानाबाद से सुरेंद्र यादव को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। भागलपुर में एक डॉक्टर के घर में डकैत